So hey guys, this is Prithviraj. In this video we're going to talk about Samsung Galaxy Tab 8. Yes, we are going to do, first of all, we are going to do unboxing and going to give my first impression about this tablet. So let's get started. So har baar ki tarah apan first bar unboxing karne wale hain, to unbox karte hain. Maine pehle isko unbox kar diya tha, matlab bas isko zip khol diya tha. So here we get the tablet. Ye tablet hai iska. इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा ये टैबलेट को थोड़ा साइड में रख देता हूँ. व्हाट वी गेट इन द बॉक्स? हाँ, आपको चार्जर दिया है और यूएसबी ए टू टाइप सी केबल दिया है और कुछ पुस्तकें, एक ही पुस्तक दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया. सो गाइज, आई विल सेटअप दिस डिवाइस एंड देन वी विल कंटिन्यू. सो गाइज, नाउ आई हैव सेटअप दिस डिवाइस एंड आई हैव बॉट दिस वन न्यू कवर ऑल्सो फॉर इट, विच आई बॉट फ्रॉम अमेजोन अराउंड 600 rupees. मैं आपको इसके स्पेक्स बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रन सम अंतुतु स्कोर्स एज वेल. हम सब के बारे में बात करेंगे, इसका कैमरा, इसका सेल्फी कैमरा, इसका डिस्प्ले, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो अगर ये वीडियो पे क्लिक किए हो तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मैं ऐसे ही वीडियोज लाते रहता हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, मैंने जब ये डिवाइस को सेटअप किया ना, तो मेरे को ब्लोटवेयर ज़्यादा नहीं मिला. ये बाकी का मैंने खुद इंस्टॉल किया है, मतलब मेरे को बस नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई दिखा, बाकी का कुछ इतना ब्लोटवेयर नहीं था. तो ये सैमसंग बहुत अच्छा कर रहा है कि ब्लोटवेयर नहीं दे रहा है. नहीं तो मोस्टली हम जब सैमसंग के फ़ोन्स लेते हैं ना, जैसे बजट फोन, जैसे एम सीरीज, ये ए सीरीज में, ए सीरीज में भी ब्लोटवेयर रहता है. स्पेशली जो एफ सीरीज और एम सीरीज रहता है ना, उनमें ब्लोटवेयर बहुत रहता है. तो पर कंपेयर टू टैबलेट, जैसे मैंने ये टैबलेट परचेज किया था, तो इसमें मेरे को ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं लगा. मतलब कुछ एग्जैक्टली नहीं था, बस स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स इंस्टॉल था, उतना चुछ है, वो मेरे यूज़ में आता है. सो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे को. हाँ, ब्लोटवेयर नहीं है, डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है. बस मेरे को ये लगा कि इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो TFT है. इस प्राइस रेंज में बहुत अदर टैबलेट्स आते हैं, जैसे रियलमी का आता है, मोटरोला का आता है, शाओमी का आता है वगैरह, बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, LG का आता है, बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, उनमें ना LCD स्क्रीन देता है. पर इन दिस दे हैव गिवन TFT. इतना वेस्ट भी नहीं है, पर अच्छी स्क्रीन क्वालिटी है. व्यूइंग एंगल जब आप देखते हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ना मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग इज कैमरा. इसके साथ ना आपको 5 सेल्फी में ना 5 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, और रेयर में ना 8 मेगापिक्सल का कैमरा. मैं एक कवर निकालता हूँ. हाँ, यस, ये मैंने सिल्वर कवर में लिया है, आप देख सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा बड़ा टैबलेट है ये मेरा वेरिएंट ना. ये मैंने 3GB रैम, 32GB इंटरनल लिया, क्योंकि मेरे पास 1TB का मेमोरी कार्ड स्लॉट था, मतलब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ये टैबलेट के साथ ना यूनिसेक का प्रोसेसर आता है, मतलब सैमसंग बोलता है कि जो लास्ट ईयर का जो सैमसंग गैलेक्सी A7 टैबलेट था, उससे 4 से 5 गुना बेहतर ये प्रोसेसर है. मतलब कंपेयर टू, मैंने अंतुतु स्कोर्स भी रन किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक ठाक ये है, मतलब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. और ये मेरा जो वेरिएंट है ना, ये सिम वाला वेरिएंट है, मतलब इसमें सिम कार्ड है मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये सिम कार्ड है. इसमें ना आपको मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट मिलता है और एक सिंगल सिम का स्लॉट मिलता है, एक नैनो सिम का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. और इसमें मैंने फेस आईडी भी अभी जस्ट डाली है, तो मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं. बस इसका मेरे को ये अच्छी बात लगा कि जब आप इसको खोलते हो ना, ये इतना वाइड दिखता है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना वाइड दिखता है. और इसका मतलब आप अभी देख सकते हो, ये इतना वाइड दिखता है ना, तो बहुत स्मूथ है. मतलब एज अ टैबलेट इट्स वर्थ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम इसकी टेस्टिंग भी और बहुत सारी टेस्टिंग करेंगे, ये तो अभी वीडियो चालू हुआ है बस. इसका मैं रिव्यू भी ना जल्दी से जल्द लाऊंगा, मतलब मैं देखूंगा कि कैसा क्या है, बिकॉज इट्स अराउंड 20,000 rupees. आप 20,000 डाल रहे हो क्योंकि ये LTE वर्जन है. अगर आप इसके वाईफाई वेरिएंट के लिए जाओगे तो आपको 17,000-18,000 में मिल जाएगा. पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप ये एक टैबलेट लेने वाले हो, तो गो फॉर द 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल, क्योंकि मेरे को लगता है इसमें रैम मैनेजमेंट थोड़ा कम होगा, क्योंकि मेरा इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली ये टैबलेट ना नोट्स के लिए लेता हूँ, आपके कमेंट्स Q&A सेशन वगैरह करने के लिए लिया है. मेरा टैबलेट पे मोस्टली जब मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ ना, तो एज अ सेकेंडरी डिवाइस स्क्रीन के लिए मैंने ये लिया, और बहुत सारे मेरे कॉलेज के काम वगैरह रहते हैं तो मैंने उसके लिए नहीं लिया है. बट मोस्टली आपको एक बता दूँ ना, कि अगर आपका एक बजट है 20,000 के अराउंड, अगर आपका थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द iPad. मेरे को iPad की इतना ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि iPad लेने को कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट iPad ना, मतलब उसका जो इंटरनल है वो भी 32 है, पर उसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं आता. वो मेरे को एक डिसअपॉइंटमेंट थी, इसमें कैसे मेमोरी कार्ड स्लॉट है, और मेरे पास 1TB का मेमोरी कार्ड था.
तो आई गेस मेरे को डिवाइस की मतलब मेरे को इंटरनल मतलब मेरे को स्टोरेज की तो प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से मेरा क्लाउड स्टोरेज है 2 TB का, तो मेरे को स्टोरेज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मेरा आईफोन भी 64 GB इंटरनल है, उसके साथ मेरा आई क्लाउड का 2 TB क्लाउड स्टोरेज है, तो मेरे को स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर अगर इनकेस आप क्लाउड नहीं लेते हो और आपको इंटरनली आपको थोड़ी स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए, तो आप लेते टाइम मिनिमम 64, टैबलेट के लिए 64 इनाफ है। अगर आप एक फ़ोन ले रहे हो तो 128 ले लेना, बस इतना ही। और इसके कुछ मैंने और टेस्टिंग करूंगा बाद में, पर आपको एक बता दूं, मतलब इसका एक्सपीरियंस स्मूथ है, मतलब मेरे को कोई लैगिनेस नहीं आई। मतलब ऐसा थोड़ा बीच बीच में मेरे को लगा कि कुछ ग्लिचेस वगैरह हैं, तो ग्लिचेस भी कुछ नहीं है, ऑसम टैबलेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसके कैमरा सैम्पल शॉट्स भी देख सकते हो, मैंने लिया है, जस्ट आई विल टेक इट आपके सामने ही ले लेता हूँ। एक दिस बुक, ये बुक है, आई विल टेक सम सेल्फी शॉट्स एज वेल, मतलब दिखेगा कि कैसा क्या है। सेल्फी कैमरा 5 MP का, इट्स क्वाइट मतलब डिसेंट, मतलब इतना अच्छा भी नहीं करूँगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। पर मोस्टली जो टैबलेट्स के कैमराज रहते हैं वो, आई गेस सैमसंग ने ना इसको सेल्फी कैमरा ना 5 MP के देने के बजाय 8 MP का देना चाहिए था, क्योंकि मोस्टली अभी ये जो ये लोग टैबलेट लेंगे मोस्टली स्टूडेंट्स लेंगे, तो जूम की मीटिंग्स वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं इसको एक बार पूरा टेस्ट करूंगा, इसका पूरा रिव्यू दे दूंगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव वॉच्ड इट टिल हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर गाइस, टिल देन जय श्री कृष्णा। और इसका ये और ये टाइप का रिव्यू जल्दी से जल्द लाऊंगा, सो नो वरीज, बाय।